वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल द सितेशियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्थ ऑन जेरियाट्रिक केयर, या फिर जिसे एल्डरली केयर भी कहते हैं, केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल भी कहते हैं। जिस भी नाम से आपका टॉपिक है आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे, जिसके अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के अंदर हमको दिया गया है टॉपिक, उसके बाद टॉपिक लिख लेंगे, जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। जैसे जेरियाट्रिक केयर है तो ये लिख लेंगे, एल्डरली केयर है तो ये लिख लेंगे। भाई चीज़ एक ही है, बस नाम अलग अलग हो गए हैं। इसके बाद टॉपिक के बाद हम मेथड ऑफ टीचिंग लिख लेंगे, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेक्चर का हम डिस्कशन कर रहे हैं या फिर दूसरा, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे हम। इसके बाद क्लास लिख लेंगे हमारी, एवीआर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्लैश कार्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, या जो भी आप चार्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो लिख लेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने रहने वाले हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना लगने वाला है, और डेट कौन सी है हमारी हेल्थ टॉक प्रेजेंट करने की। इसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे ग्रुप मेंबर्स की, भाई हमारे जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको पहले से कितनी नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम स्पेसिफिक जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख लेंगे, प्रीवियस नॉलेज के बाद में जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और उसके बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हम। जैसे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाएगा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर द ग्रुप विल नो अबाउट, किस किस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ जेरियाट्रिक केयर, भाई होता क्या है, इसके बाद डेफिनेशन क्या होती है जेरियाट्रिक्स की या जेरियाट्रिक केयर की, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके बाद हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी अकर होती हैं एल्डरली पीपल में, कम्युनिकेबल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिलती हैं, और लास्ट में स्पेशल कंसिडरेशन इन केयर ऑफ द एल्डरली पीपल, ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद हम हेल्थ टॉक बनाना चालू करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा डाटा लिखने वाले हैं, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाएगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टाइम कितना लगने वाला है, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एवीएट्स और एवेल्युएशन। जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, भाई एल्डरली केयर या जेरियाट्रिक केयर, ओल्ड एज पीपल, जो भी हो उसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे हम। इंट्रोडक्शन के बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो भी है वो लिख लेंगे, उसके बाद एवीएट्स, और लास्ट में क्वेश्चनिंग कर लेंगे हम, जैसे कि व्हाट इज़ जेरियाट्रिक केयर, ऐसे करके हम क्वेश्चनिंग कर लेंगे। आप ये आराम से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद डेफिनेशन लिख लेंगे भाई जेरियाट्रिक केयर की, डेफिनेशन लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे हम, क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं हमारे जेरियाट्रिक केयर के। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में हम जनरल प्रिंसिपल्स लिख लेंगे जेरियाट्रिक केयर के, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जेरियाट्रिक केयर के, ये कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब केयर प्रोवाइड करते हैं हम उस टाइम पर। प्रिंसिपल्स के बाद में हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेंगे, भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं एल्डरली पीपल में, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सोनस संबंधित समस्या हो जाती है, ऑडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज देखने को मिलती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, ओबेसिटी, फॉल्स की कंडीशन देखने को मिल जाती है क्योंकि बोन भी वीक हो जाती हैं ओल्ड एज में। इसके बाद डायबिटीज़ देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी देखने को मिलती है, हाई बीपी देखने को मिलता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स अकर होने लग जाती हैं, भाई थोड़े एग्रेसिव, मतलब बात बात पर चिड़चिड़ापन सा देखने को मिलता है, ये कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी देखने को मिलती हैं जो ओल्ड एज में। इसके बाद कॉमन मेंटल प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिलती हैं, जैसे एनजाइटी, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, डेलेरियम, डिप्रेशन, डिमेंशिया, साइकोसिस, आइसोलेशन वगैरह, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद स्पेशल कंसिडरेशन इन केयर ऑफ एल्डरली पीपल, भाई कौन कौन सी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे विशेषकर, जैसे कि प्रमोशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ कम्फर्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करवाएंगे हम। इसके बाद लास्ट में हम मीजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थी बिहेवियर इन ओल्डर पीपल, ये हमने आगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में नहीं लिख पाया था, तो आप इसको वहाँ पे लिख लेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, ये कुछ मीजर्स हैं, इन मीजर्स के बारे में लिख लेंगे हम। जैसे कि प्रोवाइड लो फैट कोलेस्ट्रॉल डाइट दैट कैन ईजिली डाइजेस्ट, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मतलब थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है ओल्ड एज में। इसके बाद प्रोवाइड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, इसके बाद प्रॉपर आई केयर और चेकअप एट रेगुलर इंटरवल।
इसके बाद अल्कोहल एंड स्मोकिंग अवॉइड करवाएंगे हम, प्रोवाइड कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर बोन स्ट्रेंथनिंग, प्रोवाइड ए फ्री कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू एल्डरली पीपल, अरेंज काउंसलिंग सेशंस फॉर मेंटल चेकअप्स, ठीक है ये सब पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, जो भी बुक का हमने रेफरेंस लिया था तो बुक का रेफरेंस लिखने के लिए हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे। इसके बाद नेट रेफरेंस आ जाएगा, हमने भाई कौन से नेट रेफरेंस से हमने डाटा लिया था। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है या वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी हो तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं रेगुलरली ऐसी वीडियो डालता रहूँ। और अगर आपको इस वीडियो पर PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।